दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग मोबाइल के बारे में। देखिए दोस्तों, सैमसंग का ए सीरीज और एम सीरीज ये दोनों जो है बजट रेंज में आता है, 10,000, 12,000, 15,000, 17,000 ऐसा बजट रेंज में ही आता है। लेकिन सैमसंग का ए सीरीज और एम सीरीज में एक प्रॉब्लम आ रहा है, सैमसंग का लोगो आके अटक जाता है। दोस्तों अगर आपका कोई भी सैमसंग का ए सीरीज या तो एम सीरीज में, जैसे कि A50, A30, A21, मतलब ये जो सब सीरीज है, या तो M30, M50, M51, या तो कोई भी ये जो M और A सीरीज में मोबाइल है, अगर आपका सैमसंग का लोगो आके अटक जाता है, मोबाइल ऑन नहीं होता है, तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा आ रहा है सैमसंग में। अगर आप सैमसंग मोबाइल यूज कर रहे हो और ऐसा कोई भी सैमसंग का ए सीरीज या तो एम सीरीज मोबाइल यूज कर रहे हो जिसमें कि अचानक जो है सैमसंग लोगो आके अटक चुका है और आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो? क्योंकि आप लोग अगर रिपेयरिंग शॉप लेके जाते हो ना, वो तो बोलता है भाई मदरबोर्ड चेंज होगा, या तो दूसरा कोई बोलता है कि भाई इसका जो है सीपीयू आईसी काम होगा, या तो ईएमएमसी काम होगा, 2,500, 3,000, 4,000 रुपया खर्चा होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, और आप अगर नहीं कर पाओगे तो आप हमें भी भेज सकते हो, मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके कितना पैसा खर्चा होगा, कैसे जो है आप भेज सकते हो। अगर उड़ीसा के अंदर हो तो आप आके इधर से डायरेक्ट रिपेयर करके लेके जा सकते हो, अगर बाहर से है आप कुरियर भी कर सकते हो। कैसे क्या करना है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका सैमसंग का कोई भी एम सीरीज या तो ए सीरीज मोबाइल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि सैमसंग का लोगो आके अटक जाता है और आपका मोबाइल जो है ऑन नहीं होता है, सॉफ्टवेयर भी नहीं लेता है, या तो हार्ड रीसेट करो भी नहीं होता है, तो एक बार ट्राई करो कि पहले तो एक बार हार्ड रीसेट करके ट्राई करो, हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो एक बार आप सॉफ्टवेयर किसी रिपेयरिंग शॉप में जाके फ्लाशिंग करा लो, हो सके कि आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा, 100-200 रुपये में ठीक हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो उसमें जो है उसका ईएमएमसी आईसी या तो सीपीयू आईसी का प्रॉब्लम आता है, ये दोनों चीज में अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग प्रॉब्लम आता है। दोस्तों अगर आपका पर्टिकुलर कोई मॉडल में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो मैं आपको मेरा नंबर दूंगा, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, कहीं पे भी आपको नंबर मिल जाएगा, आप मुझे नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी मॉडल हो डिटेल्सली आप बताइए, उसके बारे में मैं डिटेल्सली बता दूंगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और कितना पैसा खर्चा होगा। उसके बाद अगर आप उड़ीसा के अंदर हो, मैं जो है उड़ीसा भद्रक डिस्ट्रिक्ट में आता है मेरा, और अगर आप नियर बाई कहीं पे रहते हो तो आप आके अपना मोबाइल को खुद बना के लेके जा सकते हो। अगर नहीं दूर पे कहीं रहते हो तो आप अपना मोबाइल को कुरियर करके हमारे पास से रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि बहुत कम पैसा में हम आपको रिपेयर करके देंगे। आप लोग का उधर जितना भी पैसा खर्चा होता है डिलीवरी चार्जेस जाने के बाद भी और भी 500-700 रुपया कम में आपको बना के देंगे, इतना मैं बोल सकता हूं, आप ये ट्रस्ट कर सकते हो। और एकदम ट्रस्ट करना, क्योंकि दोस्तों मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, प्रॉपरली आपको मोबाइल बना के दिया जाएगा, उसके बाद जो है आप पैसा भेजना। जब आपका मोबाइल काम खत्म हो जाए, आपको मोबाइल का वीडियो बना के भेज दिया जाए, उसके बाद ही आपको पैसा भेजना है। जब आप मोबाइल भेजोगे तब पैसा भेजने का जरूरत नहीं है, ओनली आपको मोबाइल ही भेजना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों आप ऐसे करके अपना मोबाइल को रिपेयर करा सकते हो। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो में, और मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रहा हूँ, आप आराम से कॉन्टैक्ट नंबर देके मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।